जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ परेशानियाँ जो हैं वो लाइफ में आती रहती हैं। देर आर मैनी अप्स एंड डाउन इन लाइफ, बट लाइफ इज़ टू मच ईजी इफ़ यू नो हाउ टू कीप इट और हाउ टू स्पेंड इट। ये दोनों फिक्र इस पर मेरा ख्याल हो जाते हैं। ये एक मैंने अभी ये पगारे करके आया हूँ जनाब, ये एक जुर्माना गाड़ी के वाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानियाँ आ रही हैं, और जिनका मैं जो है ना वो आपको बयान कैसे करूं कि 2023 जो है वो अगर समझा जाए को मेरे लिए तो बहुत जो है ना वो बैड लक तसव्वुर हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। तो मज़ीद इस पर मैं आपको ब्रीफ़ करता हूँ। ये चौथा जुर्माना है जो मैंने अभी गाड़ी का अदा किया है, और ये हमारा इधर का इटली में म्यूनसिपल जो पुलिस है उसका ऑफिस है। यहाँ पे अभी मैं 29 यूरो और 50 सेंट, मतलब 30 यूरो जो है वो अदा करके आ रहा हूँ। और ये खड़ी हुई है मेरी गाड़ी, तो 2023 में इस ये बहुत पैसे ले रही है मुझसे। 1000 रुपया मैंने इसकी 6 माह की जो इंश्योरेंस है उस पर अभी दिया है, और 150 यूरो का जुर्माना एक पहले हुआ था वो ओवर स्पीड का, वो मैंने अदा किया है। और उसके बाद फिर 45 यूरो का एक जुर्माना गलत जगह पर पार्किंग लगाने का हुआ था, वो अदा किया है। उसके अलावा जनाब ये वाला जो जुर्माना है ये मैंने जहाँ पे बसों का अड्डा होता है वहाँ पे खड़ी की थी गाड़ी, तो लेकिन वहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ था कि आप यहाँ पे जो है ना वो टिकट लेना ज़रूरी है, लेकिन हफ्ता तो आ रहा था तो वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो उनके साथ साथ मुझे भी जुर्माना हुआ। ये अभी उसके मैंने ये 45 रुपये थे, अगर ये 14 दिन के अंदर अंदर हम इसको पे करते हैं तो फिर भाई जान ये हो जाता 30 यूरो पे करने थे, अगर नहीं करते थे तो फिर ये जो है ना वो 54 यूरो मैंने पे करने थे, लेकिन 30 यूरो जो है वो मैंने पे किए हैं। तो मज़ीद आपको मैं और भी दिखाता हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो मैंने जुर्माने अदा किए हैं और कौन कौन सा लॉस हो रहा है। तो वीडियो में आगे चलते हैं ज़रा। अरे तो बात जो है ना वो कुछ इस तरह की है कि कुछ मेरी भी मिस्टेक थी, और मिस्टेक जो है वो मैंने क्या की कि चंदू आया हुआ था ना तो उसको लेके जाना था, अपॉइंटमेंट थी ऑफिस में जो लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है वहाँ पे। तो ये नवंबर की बात है, नवंबर की 17 तारीख मुझे याद है ना, सुबह 10 बजे हम निकले हैं घर से और 10:30 बजे उसकी अपॉइंटमेंट थी, और तकरीबन हमने 10 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना था ना। गाड़ी पे जा रहे हैं तो वो एक जगह पे ना वो सड़क पर जो हमारे घर को सड़क जाती है ना हमारे बड़े शहर से, उस पर 2 कैमरे लगे होते हैं, लगे हैं एक आते वक्त और एक जाते वक्त। तो जब हम आ रहे थे अपने शहर में तो वहाँ से जनाब मैं तकरीबन जो लिमिट थी वो 70 थी मैक्सिमम ना, तो 70 की लिमिट पे जा रहा था। तो जब वो कैमरे के नज़दीक पहुँचे ना तो अभी मेरे जहन में ये था कि थोड़ा सा आहिस्ता कर लूँगा और 60 पे जो है ना वो गुजर जाऊँगा। पहले भी जब मैं जाता हूँ तो वहाँ से मैं 60-65 की रफ्तार से जो है ना वो गुजरता हूँ, और जो है ना वो उसके नेक्स्ट जा के जो है वो थोड़ा सा अगर रफ्तार तेज़ करनी हो बढ़ानी हो तो बढ़ा लेते हैं। लेकिन उस दिन शायद टिकटॉक बना रहे थे, चंदू टिकटॉक बना रहा था और मैंने ना गाड़ी को बस वो म्यूज़िक लगा हुआ था और रिदम से जा रहे हैं। तो यकदम जब कैमरे के पास से गुजरे ना तो मैंने कहा यार ओ माय गॉड, वो चंदू मुझे बोलता है क्या हो गया है, मैंने कहा ना क्या यार ये कैमरे के साथ से गुजर गए और अभी ये जुर्माना घर आएगा। यहाँ पर हम जा रहे हैं 97 पे और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 70 की है यहाँ पर, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बस मेरे दिल में कुछ गुदगुदी थी और डर था कि यार ये ऐसा मामला हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना वो हो गया, और 3 दिन बाद जो है ना वो हमारा जो शहर है ना नापोली में नज़दीक है तो नापोली में चले गए। तो वहाँ पे दोस्तों ने कुछ सामान वामान लेके आना था तो मुझे कहते हैं चलो यार गाड़ी पर चलते हैं, पेट्रोल वगैरह हम डलवाते हैं, तो आप ऐसा करें कि हमें ना ले जाएं और वहाँ से फिर सामान ख़रीद के हम आ जाएंगे और बाकी जो है ना वो सिस्टम निज़ाम कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। तो पता है जब बड़े शहरों में जाएं ना तो वहाँ पे पार्किंग जो है ना वो होती तो है लेकिन कम मिलती है, अगर हो तो वो वहाँ पे पैसे भी देने पड़ते हैं। तो जिधर हमने जाना था वहाँ पर कोई ख़ास पार्किंग का बंदोबस्त नहीं था, वो नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग थी और वहाँ पर 10 रुपये देने पड़ते थे और पूरा दिन या 2 दिन या 3 दिन वहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी। तो हमने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हर जगह पर गाड़ी खड़ी करनी थी, कहाँ पर कोई आटा ले लिया, चावल ले लिए, कहीं से घी उठा लिया, कहीं से सब्जियाँ ले ली, कहीं से मछली ले ली, तो वो इस तरह के था। तो मैंने ना बस स्टैंड जो था वहाँ पर गाड़ी को रोका और जगह बनी हुई थी वहाँ पर, लोगों ने भी गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी,
वहां पे जनाब हमने भी गाड़ी खड़ी कर दी और शाम को ना वो मेरे दिल में गुदगुदी थी, मैंने कहा कि यार मैंने गाड़ी गलत पार्किंग पे लगाई है, तो इससे पहले कि हमें जो है ना वो कुछ नुकसान पहुंचे या कुछ सिस्टम निज़ाम हो, तो मैं जल्दी से जाके ना गाड़ी को पता करता हूँ। तो जब मैं गया हूँ ना, मैंने देखा है तो पुलिस वाले 5-6 थे, तो वो ना मेरी गाड़ी के आगे पीछे राउंड लगा रहे हैं, तो मैं भाग के उनके पास गया हूँ, और इतने में वो दूसरी गाड़ी जो थी ना उसको देखना शुरू कर दी, और मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ ये जो ना माजरत, ये गाड़ी मेरी है। तो वो कहते हैं ठीक है आप ये ले जाएं, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हमने नंबर लिख लिया है, ये आपको जुर्माना करेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमने कौन सा कहा कि हमारी है, ये आपकी गाड़ी है। तो मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली, और मेरे दिल में वो भी शक था, मैंने कहा यार कुछ हो गया ना तो सिस्टम खराब हो जाना है सारा। तो खैर अगले महीने नवंबर में था ये, और दिसंबर जनवरी में ना 2023 में जनवरी की 1 तारीख या 2 तारीख को पहला लेटर जनाब रिसीव होता है हमें, ये वाला ये लेटर रिसीव हुआ मुझे, और उसके बाद जनाब ये वाला लेटर रिसीव हुआ। ये दो लेटर रिसीव हो गए, और साथ ही तीसरा एक ये लेटर भी आ गया मेरे लिए ऐसे। हाँ जी ये लेटर रिसीव हुए हैं। तो जनाब जब मैंने इसको अभी जो ना वो मेरे ऑपरेटर जो थे वो उधर ऑफिस में थे, वो कहते हैं फरत ये क्या आ गया तुम्हें, अभी तो आपने नया लाइसेंस लिया और जुर्माने भी से स्टार्ट कर दिए हैं। तो मुझे नहीं पता था कि जो रोड के जो कवानीन हैं उनके लॉस करने पे आपका लाइसेंस जो है उसको भी ख़तरा पड़ जाता है, या वो भी टेंशन में होता है। बस वो मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मुझे ये सारा सिस्टम जो है ना वो करना पड़ा। और जो पहला जनाब मेरा था सिस्टम, उस पे इन्होंने कहा जी अगर आपने ये 5 दिन के अंदर अंदर पे किया ना, ये देखें ये लिखा हुआ है एंथ्रो चिंक्वे जोर्नी, वो कहता है जी जब से ये नोटिस आपको मिला है ना 5 दिन के अंदर अंदर आप करें €137.65 आपने पे करना है, अगर आप 5 दिन के अंदर अंदर नहीं करते तो फिर हम आपसे जो है ना वो ज़्यादा पैसे लेंगे। और वो कितने होंगे जी, ये तो अभी मैंने इसको पगारे कर दिया होगा, अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर नहीं करना तो फिर आप 60 दिन के अंदर अंदर कर लें। और उस ये देखें ये इसका दूसरा हिस्सा भी है, ये है जी अगर आप 5 दिन में नहीं करते तो 60 दिन में करें, 60 दिन के अंदर आप अगर पे करेंगे तो ₹199, मतलब ₹190 आपने जो है ना वो टोटल पे करने हैं। ये था सिस्टम, सॉरी उल्टा है ये सीधा, हाँ सीधा है। ये लिखा हुआ है जी, वो कहता है जी इंटरनो 7 जोर्नी 60 दिन के अंदर अंदर आपने €190 पे करने हैं। और बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती यार, अगर इधर ही ख़त्म होती तो फिर तो ठीक था सिस्टम, लेकिन इसके अंदर एक और नोटिस भी आया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जी 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 जी, ये वाला पेज किधर है, हाँ जी ये वाला पेज उन्होंने मुझे एक भेजा, उन्होंने कहा जी ये पेज लेके आपने अपने जाना है ऑफिस में, जिधर से वो कैमरा जो कमांड कर रहे हैं ना वहाँ पे आप जाएं, और वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने रफ्तार तेज़ क्यों की है, अगर आपका लाइसेंस मुअत्तल करना पड़ा वो मुअत्तल करेंगे, अगर दोबारा लाइसेंस करना हुआ तो वो दोबारा करने को कहेंगे, अगर आपके पॉइंट्स काटते हैं, ये जो इटालियन लाइसेंस है इसके 20 पॉइंट होते हैं और एक गलती अगर आप करते हैं तो उसके 2 पॉइंट्स जो है ना वो कट होते हैं, अगर 3 साल से नया लाइसेंस है आपका तो उस पे वो डबल पॉइंट काटेंगे, अगर एक पुराने बंदे के 2 काट रहे हैं तो उसके 4 पॉइंट कटेंगे, और उस हिसाब से अगर मेरे इस पे 2 कटते हैं तो मैं नया लाइसेंस वाला हूं तो मेरे 4 कटेंगे, टोटल 20 पॉइंट है। और अगर पॉइंट इस तरह कटते रहे यार तो फिर तो लाइसेंस हाथ से गया, मुश्किल वक्त है। तो अभी देखते हैं कि क्या करते हैं उनका, यहाँ पे पैसे वगैरह दे के जो है ना वो तो काम चलता नहीं कि इधर बंदा पैसे दे ले और कहे भैया पैसे ले लो तो मेहरबानी सारे पॉइंट ना कटो, इधर ऐसा नहीं होता, इधर रूल्स एंड रूल्स हैं। बस एक छोटी सी गलती थी, तो यार जो भी लोग लाइसेंस नया ले रहे हैं उन सबको मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा वो बातें बताता हूँ जो प्रैक्टिकल हों, जो मेरे अपने साथ वाकयात पेश आते हैं और जो मैं खुद करता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। तो जो लोग इटली के अंदर हैं या किसी और दूसरे मुल्कों का तो मुझे नहीं पता, तो अगर आप दूसरे मुल्कों से देख रहे हैं तो हमें जो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पे क्या रूल्स हैं, लाइसेंस सिर्फ जुर्माना पे करना पड़ता है या लाइसेंस के पॉइंट भी कटते हैं, तो इस पे लाइसेंस जो है ना उसको ख़तरा बन गया है, ये €140 मैंने पे भी किए हैं और लाइसेंस जो है ना वो भी थोड़ा सा ख़तरे में पड़ गया, रिकॉर्ड गंदा हो गया परेशानी बन गई। और उसके बाद जो मैंने नापोली में गए वहाँ पे गलत पार्किंग जो लगाई थी ना,
उस गलत पार्किंग के ऊपर जनाब उन्होंने मुझे जुर्माना भेजा 45 यूरो घर में ना, कि आपने ये जुर्माना अदा करना है, और साथ में बुलेतीनी भी उन्होंने भेजी, ये बुलेतीनी है, इसको आप फिल करें, और फिल करने के बाद आप ये जुर्माना वहाँ पे अदा करें। और अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये है, ये मैंने पे कर दी है, और उसके बाद हाँ जी ये वाली है, इसके ऊपर कितने पैसे पे हो गए हैं, 44, 45, 46, ये टोटल टोटल इस पे आए थे जनाब 44, ये 44 थे, और 44 में से 2 रुपए जो है ना वो उन्होंने कमीशन लिए मुझसे, जो हमारे पोस्ट ऑफिस वाले हैं, तो उन्होंने ये पगारे किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपके पैसे जो हैं वो हमने कट करवा दिए, बाकी ये इसके ऊपर भी उन्होंने जो है ना वो मुझे लिख के दिया हुआ कि आपके कितने पैसे चार्ज हुए हैं, ये सारा सिस्टम है। तो ये क्या था कि ये गलत जगह पे पार्किंग की थी, और उसके खैर पॉइंट तो नहीं कटे, लेकिन वो भी थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हुआ है, उसके मैंने 40 यूरो मुझे पे करने पड़े हैं, और वो मैंने 40 यूरो पे किए हैं। और ये हो गया जी अपने 3 जुर्माने, एक जुर्माने ने हमारे लाइसेंस को भी 2 पे लगाया है, और 2 जो हैं वो मैंने पे किए हैं, और ये अभी 4, 1 हफ्ता पहले का है, ये वाला जुर्माना ये मैंने पे किया है, अभी पे करके आया हूँ, ये 29 यूरो था, क्योंकि ये मैंने 15 दिन से पहले पहले पे किया है, तो लिहाजा इस पर मुझे जो है ना वो थोड़ी सी रियायत मिली है। तो इस पर अगर आप पार्किंग गलत लगाते हैं तो उस पर आपको टेंशन नहीं बनती, लेकिन अगर रफ्तार आपकी तेज़ है या आपने कोई ऐसा कानून तोड़ा है सड़क के हवाले से जो सड़क के ऊपर सिग्नल लगे हैं, तो फिर आपके लाइसेंस के पॉइंट्स जो है ना वो भी काटेंगे कि भाई आपने लाइसेंस को पढ़ा हुआ है तो आप क्यों इसको जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि मेहरबानी आप अपने लाइसेंस की कदर करें। अभी मुझे भी सबक आ गया कि ज़्यादा नहीं भगानी, लेकिन मैं भी जब निकलता हूँ ना तो मैं 190-95 पे तो मोटरवे पे जाता हूँ, और जो आम रोड है उस पर 150-40 की स्पीड होती है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, ये 1800 cc गाड़ी है मेरे पास, लांचा डेल्टा इटालियन, तो इसलिए मुझे इसका ख्याल करना पड़ता है। तो चलें इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते हैं, अपने ग्लोवों का काम स्टार्ट होने वाला है, वो करते हैं।